दोस्तों, पहले ये शिकायत रहती थी कि हमारे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के ऊपर फिल्में नहीं बनाई जाती हैं, जो डिजर्विंग है। उसे छोड़कर दुनिया भर के लोगों के ऊपर फिल्में बनाई जा रही हैं। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसकी शुरुआत होती दिख रही है। और इस मामले में सबसे पहला कदम उठाया है आर माधवन ने अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट से। यह फिल्म इसरो के फॉर्मर एस्ट्रोनॉमर नंबी नारायणन की लाइफ पर बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, आज से पहले तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तो आज आपके इसी सवाल का जवाब मिलेगा और यह भी पता लग जाएगा कि लोग सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि चूतिया किस्म के प्रजाति से हैं। अगर आज भारत अंतरिक्ष की रेस में दुनिया से पीछे चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। अगर इन्हें फर्जी केस में नहीं फंसाया गया होता तो आज इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी होती, फिर चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो या फाइनेंशियल लेवल पर। कभी कभी एक इंसान के नाइंसाफी पूरे देश के साथ गद्दारी होती है, और नंबी सर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पद्म भूषण नंबी नारायणन जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता नारियल पानी का बिजनेस करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नंबी सर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बचपन से पढ़ने में वो बहुत तेज थे। 12th पास करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद एक शुगर फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई। लेकिन उनका मन तो ऊपर आसमान में लगा रहता था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट्स उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रशिया का बहुत भौकाल था। पूरी दुनिया इन्हीं दोनों के स्पेस मिशन पर डिपेंड रहती थी। भारत का भी यही हाल था। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देख समझकर नंबी सर आगे आए और उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया कि हमारा इसरो भी किसी से कम नहीं है, बस उन्हें एक बार मौका तो दिया जाए। इस भरोसे की बदौलत उन्हें इस समय देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्रायोजेनिक इंजन की जिम्मेदारी देते हुए इसका डायरेक्टर बना दिया गया। एक सोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अमेरिका की नजरों से बचते हुए पाकिस्तान के जरिए रशिया से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स भारत लाए। सभी लोग बहुत खुश थे कि अब भारत भी बड़े बड़े देशों को टक्कर देने जा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को अरेस्ट किया गया। उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दी है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी सर और उनके दो साइंटिस्ट्स डी शशि कुमारन और के चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा दिया गया। नंबी सर चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। माना तो यह भी जाता है कि सब कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे पर किया जा रहा था। वो किसी भी तरह भारत के इस रेवोल्यूशनरी स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था, क्योंकि उसके अरबों डॉलर के बिजनेस का नुकसान होने वाला था। इधर पुलिस जांच के बीच भी नंबी सर को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया और इस तरह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रोजेक्ट बंद हो गया। यह केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया। करीब 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के एक रिपोर्ट में दाखिल करके यह बताया गया कि पूरा मामला फर्जी है, इस आरोप का कोई प्रूफ नहीं। इसके बाद नंबी सर के साथ बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया और यह बताया गया कि भारत के इस रेवोल्यूशनरी स्पेस प्रोग्राम को रोकने के मकसद से नंबी सर को इन झूठे केसों में फंसाया गया था। तो इस तरह से देश के लिए काम कर रहे एक ईमानदार वैज्ञानिक को 26 साल के बाद न्याय मिला। नंबी सर कोर्ट के फैसले से तो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इन लोगों को सजा भी दिलवाना था जिन्होंने भी उनके और इस देश के साथ गद्दारी की थी, और उनके इसी स्ट्रगल को उनकी इस बायोपिक में दिखाया गया है। यह फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज की गई है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हम सभी भारतीयों को जरूर देखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर से किसी वैज्ञानिक के साथ अन्याय ना हो। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है, ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। स्टॉप द इंजन, स्टॉप।
no time. अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। तो अगर आपने इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।